आज हम धम्मपद का अध्याय 23 नागवग्गो को देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका पाली और हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, उसके बाद इसका हिंदी पर व्याख्यान दूंगा। अह नागो संघामी चापतो पतितसर अतिवाक्य अतिथिखास दुस्सिलो ही बहुजनो। जैसे युद्ध में हाथी धनुष्य में गिरे बाण को सहन करता है, वैसे मैं कटि वाक्य को सहूंगा, क्योंकि संसार में दुर्जन बहुत है। दंत नयंती सीमित दंतराजभिरुहति दंतो सेठो मनुष्येषु योति वाक्यतिथि कथि। शिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं, शिक्षित हाथी पर राजा चढ़ता है। शिक्षित मनुष्य श्रेष्ठ है जो कटु वाक्य को सह सकता है। वरा सतरा दंता आजानिया च सिंधवा कुचरा च महानागा अत्तदंता ततो वर। खच्चर आजानीय अच्छे क्षेत्र के सिंधी घोड़े और महानाग हाथी शिक्षित हो तो क्षेत्र श्रेष्ठ है। आदमी शिक्षित हो तो इन सबसे श्रेष्ठ है। नहीं येति ही आने ही गच्छेयगत दिश यथा चना दुदंतेन दंतो दंतेन गच्छति। इन घोड़ा गाड़ी आदि वाहनों से कोई निब्बान को नहीं जा सकता, जैसे अभ्यासी सोए जा सकता है। शिक्षित मनुष्य स्वयं इंद्रिय द्वारा निब्बान प्राप्त कर सकता है। धनपाल को नाम कुचरो कटकप भेदनो दुनिवारयो बद्धो कवलन भुज्यति सुमरति नागवसस कुंजरो। सेना को तितर बितर करने देने वाला धनपालक नाम का दुर्घुष हाथी आज बंधनों में बंधा होने के कारण कवल नहीं खाता, अपने हाथियों के जंगल की याद करता है। मिद्धि यदा होती महगंध सोन निधायिता संपरीवतसाई महावराहो निवापुट्ठो पुन्न पुन्न गबपुपेति मंदो। जो आलसी बहुत खाने वाला निद्रालु करवट बदल बदल कर सोने वाला दाना खाकर पले मोटे सुअर की भांति होता है, वह मंद गति बार बार गर्भ में पड़ता है। यद पुरे चित्तमचारी चारिक येनि चकयत्थ काम यथा सुख तद्दज्जह निगहेसामि योनिसो हन्तिपदिन्नविय अकुस्सगहो। पहले यह चित्त जहाँ इसकी इच्छा हुई यथा काम यथा सुख विचरा, लेकिन आज मैं इसे अच्छी तरह काबू में करूंगा, जैसे महावत मस्त हाथी को। अपमादरता होत सचित्त मनुरखत दुग्गा उद्धरत तान पंकेश को कुचरो। जागृत रहो, अपने चित्त को संभाल कर रखो। पंख में फंसे हाथी की तरह अपने आप को राग आदि गड्ढे से निकालो।
सच्ची लभक निपंक सहाय संधि चर साधु विहारी धीर अभिभूय सब्बानी परिसयानी चैरेय तेन तन्मनो सतीमा। यदि परिपक्व बुद्धि सचरित्र साथी मिले तो सब विघ्नों को हटाकर सचेत प्रसन्न चित्त हो उसके साथ विचरे। नोचे लभये निपंक सहाय संधिचर साधु विहारी धीर राजा चरठ विजित पहाय एको चरे मातंग रच्चेय नागो। लेकिन यदि परिपक्व बुद्धि सचरित्र साथी न मिले तो वैसे ही पराजित राष्ट्र को छोड़ राजा जंगल में या जंगल में हाथी अकेला विचरता है, उसी तरह अकेला विचरे। ये कस चरित सियो नत्ती बाले सहायता एको चरे नच्च पापानी काईरा अपो सुको मातंग रगो ननागो। अकेले विचरना अच्छा है, मूर्ख की संगति अच्छी नहीं। अनासक्त मातंग राजा हाथी की भांति अकेला विचरण करे, पाप न करे। अथा ही जाति ही सुखा सहाया तुट्टी सुखाय इति रेत रेण उच्च सुख जीवित संखायमी सबस सुखस सुख पहाय। काम पड़ने पर मित्र सुख करे, जिस चीज से संतुष्ट रहना सुखकर है, जीवन के क्षय होने के समय पुण्य सुखकर है, लेकिन सबसे बढ़कर सुखकर है सारे दुखों का नाश। सुखा मत्ते यता लोके यथोपत्ते यता सुखा सुखा सांपजच्चा लोके अथो ब्रह्मचर्चा सुखा। संसार में मातृ सेवा सुखकर है और सुखकर है पितृ सेवा। संसार में श्रमणत्व संन्यास सुखकर है और सुखकर है निष्पाप होना। या सुख याम जरा सील सुखा सदा पतिठिता सुखो पट जाय पटिलाभो पापा न करन सुख। आश्रय स्थान प्राप्ति तक सदाचारी रहना सुखकर है, स्थिर श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा की प्राप्ति सुखकर है और सुखकर है पापों का न करना। अभी हमने नाग वग्गों पर पाली और हिंदी में पढ़ा, अब इसके पश्चात हम इसकी विस्तृत व्याख्या को देखेंगे। अभी हम नागवग्गों की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे बाण को सहन करता है, युद्ध चल रहा होता है और धनुष से बाण आता है और हाथी को लगता है, उस समय जो युद्ध होते थे उस युद्ध में हाथी होता था और हाथी रहते थे, तो उस हाथी के ऊपर जो युद्ध में विपक्षी लोग रहते थे या विरोधी पक्ष रहता था, वो युद्ध जीतने के लिए बाणों की वर्षा करता था। वो बाण जाके उस हाथी पर लगते थे, तो हाथी क्या उन बाणों को सहन करता था। वैसे ही कटुवाक्य को, मैं कटुवाक्य को सहन करूँगा क्योंकि संसार में दुर्जन बहुत है। जैसे बाण लगने पर हाथी को पीड़ा होती थी लेकिन वो सहन करता था, वो दिखाता नहीं था कि मुझे लगा है, तो वैसे ही किसी के कटु वाक्य को मैं सहन करूँगा, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा क्योंकि संसार में दुर्जन बहुत है। दुर्जनों की कमी नहीं है कि जो, ऐसा नहीं है कि आपको सभी लोग अच्छी भाषा ही बोलेंगे, अच्छे से ही बोलेंगे। अगर किसी ने गलत बोला, कटु वाक्य भी बोला, तो आपको उस बाण की तरह सहन करना है जैसे हाथी। हाथी बाण को सहन करते हुए भी युद्ध भूमि नहीं छोड़ता है,
पलायनवादी नहीं, हाथी वीर है, हार नहीं मानता है, बाण लगा लेकिन हार नहीं माना, वो अपने आप को स्थिर रखता है, उन बाणों को सहन करते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए अपनी जीत को हासिल करता है। मतलब कटु वाक्य से वो हारता नहीं है, कभी कभी लोग ये समझ लेंगे लेकिन ऐसा उसका अर्थ नहीं है, उसका अर्थ ये है कटु वाक्य को मैं सहन करूँगा क्योंकि संसार के अंदर में दुर्जन यानी गलत लोग बहुत है, मतलब बहुत का मतलब सैकड़ों में हो सकते हैं, हजारों में, लाखों में हो सकते हैं, लेकिन अच्छे भी बहुत हैं, तो अच्छे तो नहीं बोलेंगे लेकिन गलत आदमी है वो बोलेगा, ऐसा तथागत कह रहे हैं। शिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं, शिक्षित यानी जो जिसको शिक्षा प्राप्त है युद्ध की, जिसको मालूम है कि राजा बैठा है या उनके सेनापति बैठे हैं तो उनके जीवन की भी रक्षा करनी है और युद्ध को भी जीतना है, तो वो शिक्षित जो हाथी होता था उसको युद्ध में ले जाते थे। तो शिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाना अच्छा है। शिक्षित हाथी पर राजा चढ़ता है, राजा किसी अशिक्षित हाथी पर नहीं चढ़ता, क्योंकि अशिक्षित हाथी पर राजा चढ़ेगा तो उसके जान को खतरा हो सकता है, उसके जान को खतरा नहीं हो इसलिए शिक्षित हाथी पर ही राजा चढ़ता है। मनुष्यों में शिक्षित मनुष्य श्रेष्ठ है जो कटु वाक्य को सहन कर सकता है। मनुष्यों में शिक्षित कटु वाक्य कौन सहन करेगा? जो शिक्षित है। जो शिक्षित नहीं है, जो अनपढ़ है, अनपढ़ और शिक्षित का अर्थ की ओर यहाँ पे समझना, अनपढ़ का मतलब कि वो कटु वाक्य आए तो वो विचलित हो जाएगा, लेकिन शिक्षित है कटु वाक्य आएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो संयमशील है, वो अपने आप को शिक्षित कर लिया है उसने उस चीज़ के लिए, उसको मालूम है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया मैं कैसे दूंगा। उस हाथी की तरह जो बाण को सहन करता हुआ भी युद्ध में डटा रहता है, हार नहीं मानता है, डरता नहीं है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। खच्चर आजानीय अच्छे क्षेत्र के सिंधी घोड़े पर घोड़े और महानाग हाथी शिक्षित हो तो श्रेष्ठ है। खच्चर अजानीय अच्छे क्षेत्र के सिंधी घोड़े और महानाग हाथी शिक्षित हो तो श्रेष्ठ है। आदमी शिक्षित हो तो इन सबसे श्रेष्ठ है, आदमी अगर शिक्षित हो तो इन सबसे श्रेष्ठ है। किससे? हाथी से, सिंधी घोड़े से, इनसे ये शिक्षित है तो अच्छे, लेकिन आदमी अगर शिक्षित हो तो इनसे अच्छा है क्योंकि आदमी इनको कंट्रोल कर रहा है, घोड़े को भी कंट्रोल कर रहा है, हाथी को भी कंट्रोल कर रहा है, तो आदमी अगर शिक्षित हो तो और भी अच्छी बात है, ऐसा तथागत, क्योंकि आदमी पर, इंसान पर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, उसको प्राणी मात्रा का संरक्षण भी करना है, निर्णय भी लेना है, भविष्य का भी सोचना है, तो आदमी एक महत्वपूर्ण प्राणी है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। इन घोड़ा घोड़े गाड़ी आदि वाहनों से कोई निबान को नहीं जा सकता, लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, ये घोड़ा है, गाड़ी है, इनसे कोई व्यक्ति निब्बान को नहीं जा सकता, निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अभ्यासी सोए जा सकता, अभ्यासी सोए जा सकता, जिसने अपने अभ्यास किया है, जो शिक्षित हुआ है वो जा सकता है। शिक्षित मनुष्य संयंत इंद्रियों द्वारा निब्बान प्राप्त करता है, इंद्रियों को जो डिसिप्लिन करता है, इंद्रिय हमारी जो इंद्रिय है उसको जो डिसिप्लिन करता है, अनुशासन करता है, उस अनुशासन इंद्रियों के द्वारा वो निब्बान को प्राप्त कर सकता है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। सेना को तितर बितर कर देने वाला, सेना को तितर बितर, सेना जो होती थी उसको तितर बितर कर देने वाला धनपालक नाम का दुर्घर्ष हाथी आज बंधन में बंधा होने के कारण कवल नहीं खाता। सेना को तितर बितर करने वाला, उसकी इतनी ताकत थी कि वो सेना को तितर बितर करता था, लेकिन बंधन में बंधा होने के कारण कवल नहीं खा सकता, अच्छा भोजन नहीं कर सकता क्योंकि बंधन में बंधा है। अपने हाथियों के जंगल की याद करता है, और क्या करता है वो, अपने साथी जो हाथी थे उनकी याद करता है कि वो कितने स्वतंत्र रहते, कितने आनंद में रहते, है तो शक्तिशाली लेकिन कवल नहीं खाने को मिल रहा है, इसलिए वो याद कर रहा है अपने साथी हाथियों के कि वो देखिए कितना अच्छा ताज़ा कवल खा रहे हैं, वो कितना आनंद में है क्योंकि वो बंधन में बंधे नहीं है, मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मैं बंधन में बंधा हूँ इसलिए कवल नहीं खा पा रहा हूँ, वो आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, शक्ति तो है लेकिन आनंद क्यों नहीं ले पा रहा, वो बंधन में बंधे होने के कारण नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए तथागत ये उपाय दे रहे कि आपको हमको बंधन से छूटना है,
हमारे अज्ञान रूपी बंधन से छूटना है, मार रूपी बंधन से छूटना है, तृष्णा रूपी बंधन से छूटना है, जो बंधन हमको बार बार दुख में ले जाते हैं उन बंधनों से छूट के हमको वो सद्गति प्राप्त करना है, अच्छी गति प्राप्त करना है, वो आनंद प्राप्त करना है। और वो आनंद क्या है, जैसे बंधन में बंधा हाथी कवल नहीं खा पाता, लेकिन बंधन से छूटे हुए जो बंधन में नहीं बंधे हैं वो हाथी कवल खा रहे हैं। मतलब तथागत ये बता रहे हैं कि हम देखो कितने आनंद में रह रहे हैं, कितने अच्छे में रह रहे, तुम बंधन में बंधे हो, तुम नहीं रह रहे हो, तुम उस हाथी जैसे हो कि जो सेना को तितर बितर तो कर सकता है, बहुत ताकतवर है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो, खूब ताकतवर हो, लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे हो जो हम प्राप्त करते हैं, जो हम जीते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बंधन में बंधे हो, उस हाथी की तरह, उस ताकतवर हाथी की तरह होने के बाद भी तुम बंधन में बंधे हो और अपने उन स्वतंत्र हाथी को याद कर रहे हो जो जंगल में घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तुम मजा नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम बंधन में बंधे हो, इसलिए बंधन से छूटो, ऐसा तथागत कह रहे हैं। जो आलसी बहुत खाने वाला, जो आलसी होता है वो क्या करता है, खूब खाता है, खूब खाने के कारण क्या होता है, आलसी में आ जाता है, और आलसी होने के बाद क्या होता है, निद्रा में सो जाता है, क्योंकि अब बहुत थक गया वो खा खा के, खूब खाया, जितना ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खा लिया, अब आलसी हो गया, निद्रा आने लग गई, सो गया, करवट बदल बदल कर सोने वाला, फिर सोता कैसे, करवट बदल बदल कर, खूब खा खूब लिया, आलस आ गया, काम की चिंता नहीं, करवट बदल बदल के सो रहा है। दाना खाकर पले मोटे सुअर की भांति होता है, वो क्या होता है, दाना खाकर जो मोटा सुअर होता है उसके भांति वो हो जाता है, उसको ना बुद्धि होती है ना कोई कुछ होता है, उसको केवल आलसी होता है, खा लिया सो गया, करवट बदल बदल के सो रहा है, तो वो कैसा होता है, मोटे सुअर के भांति हो जाता है दाना खाकर। वो मंद गति बार बार गर्भों में पड़ता है, मंद गति मतलब उसकी गति तेज नहीं होती, वो मंद गति वाला होता है और बार बार गर्भ में पड़ता है, गर्भ में पड़ना मतलब दुख में पड़ना, बार बार ही जन्म में आता है, फिर शरीर बनता है, फिर बूढ़ा शरीर होता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, तो बार बार इस गर्भ में पड़ता है। गर्भ में पड़ने का मतलब है कि जन्म लेना, गर्भ में आता है फिर जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, फिर गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर गर्भ में आता है, तो ये भव चक्र के अंदर घूमते रहता है। क्यों क्यों घूमते रहता है, क्योंकि आलसी है, बहुत खाकर निद्रालु है, होश वाला है नहीं, स्मृति है नहीं, और करोड़ बदल बदल कर सोता है, मोटे सुअर के भांति हो गया, कोई चिंता नहीं, कोई डिसिप्लिन का काम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई सीखने की ज़रूरत नहीं, मोटा है, आलसी है, तो वो गर्भ में बार बार पड़ते रहता है, ऐसा तथागत कह रहे। पहले ये चित्त जहाँ उसकी इच्छा हुई, यथा काम यथा सुख विचरा। अब चित्त क्या था पहले, पहले जब तक मुझे चित्त के बारे में जानकारी नहीं थी, तो यथा काम जहाँ उसकी कामना हुई और जहाँ उसको सुख लगा कि यहाँ सुख है, वहीं घूम विचरने लग गया। लेकिन आज मैं इसे अच्छी तरह काबू में करूँगा, लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया कि चित्त घुमाता है, कहाँ घुमाता है, काम में घुमाता है, तथा सुख उसको जहाँ जहाँ लगता है वहाँ घुमाता है, सुख होता नहीं लेकिन घुमाते रहता है। अब मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई, तो मैं उसको अच्छे से काबू में रखूँगा। कैसे काबू में रखूँगा, जैसे महावत मस्त हाथी को, महावत क्या करता है, हाथी को, तो हमारा जो चित्त है हाथी के जैसा पावरफुल है, इसको काबू में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। काबू में कैसे रखेंगे, जैसे महावत, महावत क्या करता है, हाथी पर बैठता है और हाथी को डिसिप्लिन करता है। जब हाथी डिसिप्लिन होता है तो सारा डिसिप्लिन हो जाता है, और हाथी अगर डिसिप्लिन नहीं है तो महावत का तो काम लगा देगा वो, क्योंकि महावत में उतनी शक्ति नहीं, हाथी में बहुत शक्ति है, लेकिन महावत उस हाथी को अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी प्रज्ञा के द्वारा, अपने शिक्षित होने के कारण कंट्रोल करता है, और वो हाथी उस महावत के कहने पर ही इधर उधर जाता है, रुकता है, वो वर्क करता है। तो महावत का एक बहुत बड़ा रोल है कि उस हाथी को वो डिसिप्लिन करे, अनुशासन करे। तो मैं अपने चित्त को वैसे ही डिसिप्लिन करूँगा जैसे महावत हाथी को डिसिप्लिन करता है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जागृत रहो, जागृत रहो, जागृत रहना है, अपने चित्त को संभाल कर रखो, अपने चित्त को क्या करो, संभाल के रखो, कंट्रोल करके रखो, डिसिप्लिन करके रखो। भंडक में फंसे हाथी की तरह अपने आप को
राग आदि के गड्ढे में से निकालो। फंडक यानी कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे हाथी फंस गया, कीचड़ वाली जगह है, वहाँ फंस गया तो वो हाथी अपने आप को अच्छी तरह से निकालता है। तो आपको भी अपने आप को राग राग यानी आसक्ति या इस प्रकार के जो कर्म है, दुष्कर्म है, उसमें से निकाल के हाथी की तरह निकाल के गड्ढे से निकालना है। अगर गड्ढे में फंसे हो तो फंसे नहीं रहना है, वहाँ से निकल के एक अच्छे भूतल पे आना है, अच्छे गति में आना है, क्योंकि हमको अपने आप को उभार के आगे बढ़ना है। वही घूमना नहीं है, वही घूमना नहीं है, वही घूमते हुए नहीं रहना है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। तो तथागत क्या कह रहे हैं, जागरूक रहो, अपने चित्त को संभाल के रखो। पंडक में फंसे हाथी की तरह अपने आप को गड्ढे में से निकालो। गड्ढे यानी कौन से, हमारे आसक्ति के, गलत कर्मों के, गलत कार्य के, आलसी होने के, हम जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं, सती वाले, सती यानी होशपूर्वक नहीं रहते हैं हम, तो वो गलत तरीके के जो गड्ढे हैं उसमें से बाहर निकल के आओ, अपने आप को बाहर निकालो। जैसे हाथी कहीं फंसा होता कीचड़ में या गलत जगह पे, तो अपने आप को निकाल के एक समतल भूमि पे लाता है, एक अच्छी भूमि पे लाता है, ताकि वो चल सके अच्छे से, तो हम भी आगे बढ़ सके, ऐसी जगह अपने आप को लाना है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। यदि परिपक्व बुद्धि सचरित्र साथी मिले तो सब विघ्नों को हटाकर सचेत प्रसन्न चित्त होकर उसके साथ विचरे। तो कभी क्या हो कि परिपक्व बुद्धि वाला सच्चरित्र, अच्छे चरित्र वाला साथी मिल जाए तो सब विघ्नों को हटाकर, सब विघ्नों के बारे में चिंता छोड़ के प्रसन्न चित्त हो उसके साथ विचरे, उसके साथ विचरण करना चाहिए प्रसन्न चित्त होकर। अब प्रसन्न चित्त होकर विचरण करने से क्या होगा कि आपके जो विघ्न है वो टल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस कारण से वो विघ्न पैदा हुए थे, वो विघ्न वाले जो विचार थे, वो विचारों को अच्छे विचार में परिवर्तित करने का काम वो जो आपका सच्चरित्र साथी है, अच्छा कल्याण मित्र है, वो करेगा आपके लिए। इसलिए तथागत कई कई जगह ये बोलते हैं कि सुसंगति करो। सुसंगति का मतलब है कि अच्छी संगति रखो। अच्छी संगति रखने वाला अपने आप को शुद्ध करता है, अच्छे रास्ते पे ले आता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है अच्छे रास्ते पे कैसे लाना है और दुर्गति से कैसे हटना, ये तथागत कहना चाह रहे। लेकिन यदि परिपक्व बुद्धि सच्चरित्र साथी न मिले तो वैसे ही पराजित राष्ट्र को राजा या जंगल में हाथी अकेला विचारता है, उसी तरह अकेला विचरण करे। पुराने समय में क्या होता कि जब राजा हार जाता था तो वो पराजित हो जाता, तो वो अपने राज्य को छोड़ के अकेला निकल जाता था। तो उसी प्रकार तथागत कह रहे, या जंगल में हाथी जैसे अकेला विचरण करता, तो अकेला विचरण करो। अकेला विचरना अच्छा है, मूर्ख की मित्रता अच्छी नहीं। अकेला विचरना अच्छा है लेकिन मूर्ख की अच्छी नहीं। क्योंकि मूर्ख की क्यों नहीं अच्छी, मूर्ख की इसलिए अच्छी नहीं कि वो दुखदायी होती है आपको, वो गलत में सहयोग करेगा, अच्छाई में सहयोग नहीं करेगा, गलत करने के लिए सहयोग करेगा मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख मित्र। मित्र के रूप में आएगा लेकिन मित्र के रूप में आपका वो शत्रु होगा। कैसा शत्रु होगा, आपके मुंह पे तो अच्छी बात करेगा लेकिन आपके अनुपस्थिति में आपकी बुराई करेगा। आपके किसी अच्छे काम के लिए सहयोग करने के बजाय आपके अनुपस्थिति में उस अच्छे काम को वो गलत ठहराने की कोशिश करेगा, आपके बारे में गलत बातें समाज के अंदर फैलाएगा, तो वो आपका मित्र नहीं हुआ, आपका मित्र के रूप में वो शत्रु होता है। तो इसीलिए वो मूर्ख आदमी की संगति ही नहीं करे, ऐसे तथागत कह रहे हैं। अनासक्त मातंग राजा हाथी, मातंग राजा, मातंग, मातंग एक शब्द है, मातंग यानी जाति नहीं है, मातंग हाथी, मातंग हाथी मतलब एक अच्छा हाथी जो बलशाली हाथी है, एक उपमा है हाथी की। मातंग राजा हाथी की भांति अकेला विचरण करे, पाप न करे। मातंग राजा हाथी मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा कि जो हाथी जैसा शुद्ध मातंग हाथी, एक मातंग एक गौरवान्वित शब्द है, इसका मतलब मातंग हाथी की भांति अकेला विचरे, पाप न करे। मातंग हाथी मतलब एक अच्छा हाथी, अच्छा हाथी है, उसके जैसा अकेला विचरण करे लेकिन पाप न करे, ऐसा तथागत कह रहे हैं। काम पड़ने पर मित्र सुख कर है, काम जब पड़ता है तो मित्र क्या होते, अच्छे होते हैं। जिस जिस चीज़ से संतुष्ट रहना सुख कर है, संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहने का मतलब है कि जो आपको चाहिए वो मिल गया, संतुष्ट हो जाओ। आपको एक अच्छा सुंदर बंगला बनाना था,
बन गया, संतुष्ट हो जाओ। ऐसा नहीं कि यार ये अच्छा बंगला बना, बड़ा बंगला बनाने के लिए दुखी हो गए, नहीं, संतुष्ट हो जाओ, सुखी हो जाओ। सुखी हो जाओगे तो सुख से और सुख आएगा। जैसे आपके पास जो संपत्ति है उसको लेके सुखी हो जाओ, आपके पास जो बच्चे हैं अच्छे बच्चे उसको लेके सुखी हो जाओ। ऐसा नहीं कि यार उसके बच्चे ऐसे, मेरे तालमेल मत करो, तालमेल करोगे तो दुखी हो जाओगे। तो तथागत यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस जिस चीज़ से संतुष्ट रहना सुखकर है, संतुष्ट रहना सुखकर है। सुखकर है इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करना है, यहाँ गलत नहीं समझ लेना, नहीं तो कभी कभी ये होगी संतुष्टि का मतलब है, कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ काम ही नहीं करते, बोलते हम संतुष्ट है। संतुष्ट और आलसी में अंतर है। संतुष्ट का मतलब है कि जैसे कोई एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट आता है, वो आईएएस में सिलेक्ट हुआ, आईपीएस बना, या कोई अच्छा बिजनेस स्टेब्लिश किया, अच्छी किताब लिखी, जो भी उसने अच्छा किया, अच्छा करने के बाद उसको जो इंटरनल फीलिंग अच्छी आती है वो संतुष्टि है। तो आपके पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसके प्रति आप संतुष्ट हो जाओ और उसके आधार पर आप संतुष्टि को और संतुष्टि को आकर्षित करोगे। लेकिन सब चीज़ें हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं, दुखी हो, तो और दुख को आकर्षित करोगे। मतलब आप क्लियर हो रहा है ना, आप और दुखी को आकर्षित करोगे। जब आप और दुख को आकर्षित करोगे तो आप दुखी हो जाओगे। तथागत कह रहे दुखी नहीं होना, संतुष्ट होना है, सुखी होना है। सुख सुख को आकर्षित करता है और दुख दुख को आकर्षित करता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि किसी के पास बहुत कुछ है लेकिन वो अधिक प्राप्त करने के लिए दुखी है, उसके पास जो कुछ है उसके लिए वो सुखी नहीं है, तो उसका दुख ही बढ़ते जाएगा, सुख नहीं। इसीलिए तो लोग, सब कुछ है, बड़े बड़े पद है लेकिन और दूसरे पद प्राप्त करने के लिए दुखी है, रात भर नहीं सो रहे, उम्र 75 हो गई, बहुत बड़ा सिंहासन है, लेकिन वो सिंहासन किस काम का, क्योंकि इसमें संतुष्टि नहीं है, दुखी है। तथागत कह रहे हैं कि संतुष्ट हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी व्यक्ति और सुख प्राप्त करता है। जीवन जीवन के क्षय होने से समय पुण्य सुखकर है। जीवन के क्षय, जीवन का क्षय यानी शरीर जब छोड़ रहे हैं तो क्या है, पुण्य सुखकर है। क्यों सुखकर है, क्योंकि वो पुण्य आपको सदगति की तरफ ले जाएगा। पुण्य क्या करेगा, सदगति की तरफ ले जाएगा। आपके अच्छे कर्म आपको नाव जैसी सवारी करेंगे, नाव आपको पानी में डूबने से बचाती है, तैर कर किनारे पे लगाती है। ऐसे ही सत्कर्म आपके आपको इस भवसागर से किनारे पर लगाने का काम करेंगे। इसलिए सत्कर्म को हल्के में नहीं लेना है, सत्कर्म को सत्कर्म के रूप में ही लेना है। ये बहुत बड़ी संपत्ति है, ये ऐसी संपत्ति नहीं है कि डूब गए तो क्या हो, डूब गए तो गए, फिर तो जीवन जीवन ही खत्म हो गया ना। असत कर्म कहने का मतलब पत्थर के जैसे होते, बहुत ज़्यादा पत्थर अगर नाव में इकट्ठा किए तो नाव डूब जाएगी। तो पत्थरों को इकट्ठा नहीं करना है, सत्कर्मों को इकट्ठा करना है, लकड़ियों को और इकट्ठा करना है, जो तैरने वाली चीज़ें, उन तैरने वाले अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करना है, जो तैर के आपको जल्दी ही किनारे पे पहुंचा दे। तो एक जीवन क्या है, वाहन के रूप में है, सदगति के लिए, वाहन के रूप में है, सदगति के लिए, उसका उपयोग सदगति के लिए ही करना है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो जीवन के क्षय होने से समय पुण्य सुखकर है, लेकिन सबसे बढ़कर सुखकर है सारे दुखों का नाश। सबसे भी बढ़कर सबसे बड़ी चीज़ है, सभी दुखों का अगर आप नाश कर देते हैं तो ये सबसे सुखकर है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। संसार में मातृ सेवा सुखकर है, माता की सेवा करना सुखकर है। सुखकर है पितृ सेवा, पिता की सेवा करना सुखकर है। संसार में श्रवणत्व संन्यास भी सुखकर है, और सुखकर है निष्पाप होना। निष्पाप होना मतलब अपने चित्त मलों को हटाना, विद्वान होना भी सुखकर है, सेवा करना। अभी कोई लोग कहेंगे कि हम बड़े 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 दूसरे दूसरे राष्ट्र में गए, क्या करना है माता पिता के लिए पैसे भेज के, क्या करना है उनकी सेवा करके, नहीं। तथागत कह रहे हैं कि सुखकर है, सुख देता है माता की सेवा करना, सुख देता है पिता की सेवा करना। इसलिए माता और पिता की सेवा करना चाहिए। संसार में श्रवणत्व संन्यास भी सुखकर है, क्योंकि संन्यास इसलिए सुखकर है क्योंकि संन्यासी व्यक्ति, श्रवण व्यक्ति है, वो अच्छी बातों को ग्रहण करता है, ग्रहण करके अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करता है, जिसके कारण लोग
सदगति की तरफ आते हैं, अच्छे कर्म की तरफ आते हैं, इसलिए संन्यास भी सुखकर है। और सुखकर है निष्पाप होना। निष्पाप होना मतलब अपने चित्त मलों को, गलत चीज़ों को दूर करना और अच्छी चीज़ों को उसमें डालना, ये बहुत सुखकर है। तो निष्पाप होना, गलत काम नहीं करना, अच्छे काम करना, ये सुखकर है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। आश्रय स्थान प्राप्ति तक सदाचारी रहना सुखकर है। आश्रय स्थान कौन सा है? हमारे अंदर का दीप प्रज्वलित होने तक हम एक सदाचारी रहना सुख। सदाचार किसके लिए? अच्छी चीज़ के जागरण के लिए सदाचार की जरूरत, अच्छे आचरण की जरूरत। केवल जागरण, जब तक जागरण नहीं होगा, आपके अंदर का दीपक नहीं जला, तो प्रकाश किधर दिखेगा? आपको नहीं दिखेगा। अत दीपक भव, अपने दीपक को जलाओ, अपने दीपक के शरण में जाओ। क्योंकि जो अपने आप को जलाता है, अपने आप को जगाता है, अपने आप को होश में लाता है, सती की अवस्था में आता है, जागृति की अवस्था में आता है, तो वो क्या होता है? सुखकर होता है। स्थिर श्रद्धा सुखकर है। स्थिर श्रद्धा, श्रद्धा में स्थिर होना सुखकर है। श्रद्धा यानी कौन सी श्रद्धा? कि तथागत ने निर्वाण को प्राप्त किया था, सारे दुखों का नाश किया था, उनके साथ उनके मार्गदर्शन पर चलकर आज तक हजारों लाखों लोगों ने निर्वाण का साक्षात्कार किया है और अनंत पद को प्राप्त किया है। सदगति के मार्ग पर लाखों लोग गए हैं और आने वाले समय में भी जाएंगे उस मार्ग पर चलकर। ये श्रद्धा होना क्या है? सुखकर है। प्रज्ञा की प्राप्ति सुखकर है। प्रज्ञा की प्राप्ति क्यों सुखकर है? प्रज्ञा से ही हम दुर्गुणों को हटाएंगे, इसलिए प्रज्ञा की प्राप्ति सुखकर है। और सुखकर है पापों का न करना, अर्थात दुष्कृत्य को न करना भी सुखकर है। क्योंकि दुष्कृत्य का फल जो आता है वो गलत आता है, इसलिए सुष्कृत यानी अच्छे कार्य करना सुखकर है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो अभी हमने आज जो नागवग्गो देखा है, नागवग्गो ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को आप गंभीरता से समझेंगे और इस प्रकार के अन्य अध्याय पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसका प्रचार करना है। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो।